हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ये अपना देवेंद्र भाई और ये प्रभात जो गया था एग्ज़ाम देने। हम लोग का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग का फीस सबमिट नहीं है। तो जो यूनिवर्सिटी है हमारी वो हमें एग्ज़ाम नहीं देने दे रही है, मिड नहीं देने दे रही। सेमेस्टर का पैसा अभी चाहिए, इसलिए ना हम लोग जा रहे हैं, वो लोग देने ही नहीं दे रहे। हम लोग तैयार होके जाते हैं, खड़े होते हैं, जाके बैठते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं। तो उससे बढ़िया यही रहो भाई, क्या कर रही है जाके। नया कूलर आया हुआ है देवेंद्र भाई लाया और 3 बाल्टी डाली है। अब प्रभात भाई का वो है, क्या है, टर्न है। प्रभात भाई का टर्न है, जो 3 बाल्टी पानी डालेंगे उसके बाद अभिनव डालेगा। और भाई मैं फिर एसी लगी, हाँ फिर उस वाली खिड़की में भाई हो सके तो एसी लगो। एसी हो सके ना, लगेगी एसी भाई उस वाले में, एसी लगेगी। बीच में पर्दा हो जाएगा, यहाँ एक दीवार चल जाएगी उस साइड। कल्लू देवेंद्र भाई अपना हो जाएगा, देवेंद्र भाई हो जाएगा। बात नहीं करनी, हाँ सारी फसलें कट गई हैं और ये रोड पता नहीं कब बनेगा। ये पता नहीं क्या सेक्टर 1 से 11 तो हो गया, पता नहीं कब बनेगा। और उधर कुछ काम चल रहा है यूनिवर्सिटी का, शायद हो सके नया हॉस्टल बन रहा है कल्पना हाउस के बगल में। तो एक और हॉस्टल यहाँ बन जाएगा मेडिकल वालों के लिए, शायद BAMS वाले के लिए, आयुर्वेदा वालों के लिए बनेगा भाई। ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। कभी इधर जाएंगे और इधर का ब्लॉग शूट करेंगे हम लोग। हो सके अपने भाई लोग बोल रहे थे इसमें नहाने को, मैं तो कभी नहीं नहाया ऐसी जगहों पे, लेकिन ये लोग नहाएंगे तो मैं भी पूछ जाऊंगा भाई। मस्त लगता है इधर से। और शायद ये हॉस्टल बन जाए जब, तो वो हॉस्टल छिप जाएगा, फिर वो हॉस्टल नहीं दिखेगा इधर से। ये है कूलर अपना। कौन वाली फीलिंग आ रही, मेरे वाली फील आ रही है भाई। यहाँ एसी लगवा नहीं सकते वरना एसी यहाँ लग जाता, क्यों ब्रो हैं? और देवेंद्र भाई होता क्या, बस ये रूम सबका हो जाता फिर। अभी तुम लगवाया नहीं करी भाई, हम लोग जाते ही नहीं इस रूम से बाहर, यहीं रहते दिन भर। चार्ज लेता मैं 500। हम लोग खाना खा के आ गए हैं नीचे से और थोड़ा देर शान के पास बैठे, पैसा कमा रहे हैं बैठ के। वो भी फेडरल बैंक का अकाउंट बना रहे हैं। नाम नहीं, लोग जान जाएंगे आप। और पैसा हम लोग कमा रहे हैं ये प्यार अकाउंट बना के। सेफ्टी बहुत जरूरी है। कितना पैसा है भाई? मेरे में पैसा आ गया, ये मेरा फोन है। ये तेरे से पैसे आए तो बहुत तेज से जा रहे, वो तो गया सक्सेसफुल। और ये पुल किला और ये पैसे की 226 रुपए जीत गए 15 दिन में। 226 रुपए 15 दिन में आएगा भी चाहिए थे। ठीक है अरे 15 तो तू उधार देना था गेट जाने का, लेकिन गेट जा रहे हैं भाई। धूप थोड़ी हल्की हो गई है, अब गेट जा रहे हैं। मैं ये सच्चा और ब्रो जा रहे हैं गेट, वो लगा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। वापस आ गए हम लोग, ये लोग पीछे हैं। वीडियो मैं चाह रहा था बनाना लेकिन बनाया नहीं मैंने, कुछ ऐसा ही चल रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाई। वीडियो बनाया होता तो मजा आ जाता सबको, लेकिन सब लोग हैं इसलिए वीडियो नहीं बना सकता। See this guy. आगे भाई कर क्या भाई, कितने बजे? 7 बज गए। क्या हो गया सर, क्या हो गया? लेकिन कॉल नहीं आई भाई, 7 बज गए लेकिन कॉल नहीं। और इनसे पूछा जाए क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है जी, ये हम पहली बार देख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका है लड़की मिली है। कुछ ऐसी दिखती है और आप लोग कहते हैं शान के लिए कि
केक लाने हैं। आज उसका बर्थडे है भाई, आज का ब्लॉग दिखाऊंगा, बहुत मार पड़ेगी उसको, बहुत भाई, एक दो तो बेल्ट टूट जाएंगी उसकी पिछवाड़े पे। जय श्री राम। हाँ मैं भी बुलवाऊंगा जय श्री राम। ये चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर ब्लॉगिंग करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा धूल है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री। ये लगा हुआ है, फिर से लग गया ये। छोटा वाला जिसके उसको छुएंगे, उसको छुएंगे, दौड़ेंगे, उसको छुएंगे और फिर इधर छुएंगे और फिर इधर जाएंगे। छुए छूत की बीमारी है, रुक तो एक मिनट यार, छूत होता है। नहीं और यहाँ पे रन्नी हमारे जीतता। तो अभी के बज रहे हैं 10, 11, 11:30 हो रहेंगे और हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में। अलाउ नहीं है किसी को, पर हम लोग वही करते हैं जो अलाउ नहीं होता। हम लोग जा रहे हैं भाई, अभी कोई नहीं मिलेगा सिवाय मेडिकल वालों के, MBBS वालों। देखो भाई उधर गेट पे भीड़ लगी हुई है, ये देखो। बस हम ही से पता नहीं क्या दिक्कत है कि बस रमन वाले जो हैं वो नहीं जाएंगे बाहर। पता नहीं क्या ऐसा गुंडा मवाली समझते यूनिवर्सिटी वाले, कि क्या समझते क्या कर देंगे। हमारी इमेज यूनिवर्सिटी ख़राब करके रखी है भाई। यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी बात तो ये है, उधर के जो भी हॉस्टल हैं वो घूम नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भाई ये क्यों कर रहे हैं, अगर ये इतना पैसा दे रहे हैं आपको तो वो इस हिसाब की पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हम लोग पैसा दे रहे हैं भाई, आपकी पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग पैसे दे रहे हैं, सीधी सी बात। क्यों सान, जिस हिसाब की इन लोग की पढ़ाई उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं हम लोग। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है अपनी यूनिवर्सिटी में, बहुत जो बहुत बुरा लगता। इस पर हो सके कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल होना ही है। ये हमारी कैंटीन है, अभी बंद है, FET कैंटीन। हम लोग आए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, कोल्ड ड्रिंक रखवा के गए थे, आए हैं लेने। और ये दद्दू सो रहे हैं। आसान का बर्थडे है तो भाई शोर शराबा दिखाता हूँ भाई। बेल्ट खोज रहे हैं लौंडे, एकदम तगड़े में बेल्ट। और ये रहा भाई, इसका जो हाल होगा मैं बता नहीं सकता। ये सबसे ज़्यादा मारेगा ये, ये ब्रो। इधर देखो, इधर भीड़ लगी है भाई, भीड़। हाँ ये हमारे बिट्टू सर आए हैं हम लोग के फ्लोर पे, और हमारे दुबे सर बॉलिंग करने में माहिर, बॉलर नंबर वन हमारे रमन के। मारते आप हमको नहीं देंगे, आप देखिएगा। एक लड़का बनता था जो बर्थडे में मेरे पास बर्थडे। रुक जाओ, कट
जाने दो, आराम से हो जाने, फिर मारना, रुक जाओ अभी। रुक जाओ अभी, ये मुंह देखो इसका, मुंह बहुत पिटाया है। क्या बोले सर, क्या बोले लग रहा है सान? उसका तो हमको पता है, उसका हाल हमको पता है, अपना बताओ। आंखों का रो रहा है, ये रो रहा है, रो रहा है। देखो जो हुआ बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या ज्यादा हुआ। अब वो बेचारा कहीं दिखाने लायक नहीं, ना लेने लायक है। देख सकते हैं आप लोग, सच बताएं इसके आंखों में आंसू है, इतना पाया है ये, इतना ज्यादा रो रहा है भाई, रो रहा है ये, इतना ज्यादा मारा गया। हो गया, ए अब नहीं है, अब नहीं। का बर्थडे था, मन चुका है भाई, मन चुका अच्छे से, बहुत पिटाया, बहुत पिटाया भाई, बहुत मारा है सामने, बेल्ट टू बेल्ट भाई, इतनी बेल्ट पड़े हैं उसको, उसका शरीर जान रहा होगा भाई। रो रहा था भाई, रो रहा था लिटरली, लेकिन आंखों पे केक था इसलिए पता नहीं चल रहा था सही से भाई। लेकिन कहते हैं ना बर्थडे के दिन भाई मारो, ये कौन सी बात होती है यार। अपना सोच के थोड़ा दुख होता है कि अपना भी आने वाला है, हम भी बहुत पिटाएंगे ऐसे ही। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं भाई इसको, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो भाइयों, ब्लॉग में अगर कुछ अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो भाई मैं हर ब्लॉग में बोलता, अगर कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा। और भाई मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय, गुड नाइट।